13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तो भाई आज का सीन ये है कि और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको आज़ादी मुबारक। देखिए मैंने ग्रीन पहना हुआ है, झंडा भी लगाया, भाई प्योर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया मैंने, ठीक है। तो फिलहाल अभी सीन्स अच्छे ही होंगे, जाहिर सी बात है, आज़ादी का दिन है, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत फख्र की बात है। खैर बाकी अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, आमीन। मुझे तू आजमा जहान से जहान, मेरी उड़ान को नहीं कोई घुमा। निगाह उकाब की जुनू है बेपना, है सर की एक ये पर्वत आसमां। मेरे निसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सबा। अच्छा भाई, तो फ़िलहाल अभी सीन ये है कि हमने अपना दिन का आगाज़ शुरू किया है दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे। अच्छा अभी फ़िलहाल सीन ये है कि हमने अपनी 20 को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम फ़िलहाल कारसर्स रोड को पकड़ते हुए अपने दोस्त के घर की जानिब जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा मूड ये है कि हम लोग शूट करें 14 अगस्त का अपनी 20 के साथ। अच्छा शूट करने के बाद सीन ये होगा कि हम लोग शायद मुश्किल से खाना तो शायद ना खाएं, ऐसे इनके खाना मैंने खाया हुआ है, बाकियों का पता नहीं। तो खाना पीना भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम ये करेंगे कि आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे, मीठा कर लेंगे, क्योंकि गर्मी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ऊपर से गर्मी बढ़ गई है थोड़ी। और ऊपर से सीन ये है कि बादल आप देख सकते हैं, वल्ला कितने स्मैक्सी बादल हैं। बस मज़ीद बारिश ना हो। तो फ़िलहाल अभी हम जाएँगे तला भाई को पिक करेंगे और तला भाई से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शूट करेंगे। उसके बाद आइसक्रीम हमजा भाई के पैसों की खाएंगे इंशाल्लाह, पूरे तरीके से हमजा भाई को नंगा करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम अपनी 20 को चला रहे हैं। अच्छा उसके बाद सीन ये होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि हमने केक का ऑर्डर दिया हुआ है 14 अगस्त का, जो कि हमने घर पे सेलिब्रेट करना है। 14 अगस्त का फंक्शन है छोटा सा घर पे, तो हम वो केक भी पिक करेंगे शूट वगैरह करने के बाद। तो ऑलमोस्ट वो 4:30-5 तो बच ही जाएंगे मेरे ख़्याल से। तो बस भाई फ़िलहाल अभी चल रहे हैं हम रास्ते में, ठीक है, पहुंचते हैं और आपको शूट के सीन्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हाउ वी सेलिब्रेट 14 अगस्त इन और स्टाइल। सही है भाई, बाकी धूप फ़िलहाल अभी निकल गई, लेकिन बड़ा मौसम बड़ा स्मैक्सी हो रहा है और ये चांस के देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूप आ गई है। बट लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, कि हमें गर्मी लग रही है, कि हम तो भाई एसी में बैठे हुए फुल चिल कर रहे हैं, चिल सीन चल रहा है भाई। अभी देखें मौसम कितना स्मैक्सी सा हो रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने सुना है कि कारसर्स के रोड पर, पीछे वाले रोड पर जहाँ पर हम ऑलरेडी इससे पहले होके आ रहे हैं, वहाँ पर एक आंटी साहब होती हैं जिसको बकौल हम बोल सकते हैं कि वो भूत हैं, मतलब होती है, मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि वो बहुत लोगों को नज़र आती हैं रात पे कारसर्स के रोड पर। तो भाई अगर ऐसा सीन है, आप कराची में रहते हैं और अगर आपको पता है तो आप मुझे भी बताइएगा भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कि भाई सच में ऐसा सीन होता है। मज़े की बात एक ये है कि मैंने अपने एक दोस्त से सुना है, वो जौहर में रहता है, तो उसने बोला कि भाई वो जो कारसर्स वाली जो भूत है ना, वो आंटी जो है ना, मतलब चल चल के ना वहाँ तक पहुँच गई है जौहर तक ना। तो भाई ऐसा भी होता है कि भूत अपनी जगह भी चेंज करती हैं, अगर ऐसा होता है तो भाई वल्लाह ही क्या मज़ा ही अलग है भाई, सीन्स ही अलग है। अच्छा भाई नाज़रीन और ख़वातीन,
हमने अपना सफ़र पूरा कर लिया है, हमजा भाई के घर पे आ गए। तो भाई फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ तला भाई आ गए, इनको मैंने रास्ते में पिक कर लिया था। कैसे तला भाई आप? तला भाई आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पाकर अहमदाबाद ही बोल दें फिर आप, क्योंकि अभी आपके पहनावे से लोगों को लग रहा है कि आप वैसे कि ऐसे ही निकले होंगे। ऐसे ही निकले हुए आप, बिल्कुल आप मुझ से मोहब्बत नहीं करते यार, शो करना पड़ता है यार, ये दुनिया ऐसी है ना, आपको शो करना पड़ता है। देखिए मैं शो कर रहा हूँ, देखो ये देखिए मैं शो कर रहा हूँ। हमजा भाई पूछ रहे हैं, हमजा भाई का मैसेज आया कहाँ है हमजा भाई, हम गाड़ी में बैठे हुए जल्दी पहुँच जाएँ। ठीक है, ये हमजा भाई आ गए, हमजा भाई घर वापस जाएँ, कपड़े चेंज करके आएँ, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कपड़े चेंज करके आएँ। शाबाश, कपड़े चेंज करके आएँ यार। क्यों यार, 14 अगस्त के शूट के लिए बुलाया था आप, तो पता नहीं आप न्यूजीलैंड के शूट के लिए आ गए। मुझे लग रहा खोलें यार, 14 अगस्त के शूट के लिए बुलाया था यार आपको। यार मैं पैट्रियोटिक इंसान हूँ, कपड़ों पे यकीन नहीं करता मैं। हाय 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 हाय, महफिल लूट ली भाई, महफिल लूट ली भाई। चलो भाई। अच्छा जनाब, फिलहाल तो हम आ गए, हमने अपना शूट वगैरह शुरू कर दिया है। तो भी फिलहाल अभी हम जल्दी जल्दी शूट करेंगे, क्योंकि बारिश आने लग रही है, ऐसा लग रहा है मौसम फुल सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल फुल बन गए, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। बट ना हो तुम्हारी तो दुआ है, हमारा शूट अच्छा हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। बस उज़ैर भाई मुझे भी सिखाने के ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ये फ्रेम सेटिंग हो रही है, शूट हो गया। जीतला भाई कैमरे की सेटिंग करते हुए, झंडा तो ऐसे लगा है नाजिन, हम बहुत पैट्रियोटिक हैं, किसी को नहीं बताइएगा स्कीम क्या। अच्छा भाई, तो फिलहाल सीन ये है कि हमने फ़ोटो शूट कर लिया अपना, बहुत अच्छा हो गया, बारिश नहीं हुई, आपकी दुआओं के साथ हमारा शूट कंप्लीट हो गया। तला भाई ने पैकअप कर लिया, तला भाई शूट हो गया आपका, बस बैठने लगे हैं, पिक्चर्स देखेंगे, सेटिस्फेक्शन करेंगे। ठीक है भाई, तला भाई सेटिस्फेक्शन करेंगे, और अभी फ़िलहाल हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, कुछ मुँह को ठंडा करते हैं, गर्मी है सही है, और पता नहीं हमजा भाई भी क्या खिलाते हैं हमें, देखते हैं क्या खिलाते हैं, खाएंगे और चलते हैं आगे बस। ठीक है, और ये मैं अपनी जानेमन को गाड़ी से निकाल रहा हूँ। जानेमन आ जाए, जानेमन हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, हमारी मोहतरमा का हाथ पकड़े, मोहतरमा बाहर ही नहीं आ रही है। तो भाई फिलहाल हम बाहर आ गए थे शूट करके, अभी हमने कुछ ठंडा वंडा करना था, आइसक्रीम शेक वगैरह कुछ पीना था। अभी बादल बहुत तेज़ हो गए हैं और बारिश शुरू हो गई है, अभी हमने घर भी पहुँचना है, दुआ करें कि बारिश मज़ीद ज़्यादा ना हो, नहीं तो बहुत मसले मसाइल आ जाएंगे। बस दुआ करें कि बारिश ना हो, हम बस जल्दी जल्दी आइसक्रीम शेक पीते हैं, निपटाते हैं और उसकी तरफ घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हमने कल केक का ऑर्डर दिया हुआ था 14 अगस्त के लिए, तो वो भी पिक करना है, तो वो जैसे केक पिक करेंगे फिर उसके बाद उसको घर जाके काटना भी है। तो बस दुआ करें बारिश मज़ीद ना हो। ठीक है, हाय हाय हाय, चॉकलेट शेक और ये मौसम, बारिश वल्ला, आ हा हा, क्या मज़ा आ रहा है अल्लाह भाई। अभी ऐसा स्मैक्सी मौसम हो रहा है, हम घर के ही निकले थे और बारिश वारिश हो गई है, बस दुआ करें यार, आप दुआ नहीं कर रहे, बारिश हो ही जा रही है, बस दुआ करें बारिश रुक जाए और हम लोग खैर आफियत से घर पहुंच जाएं। अभी हमने केक भी उठाना है, तो समझें कि अच्छा खासा लंबा जगह है, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर होंगे शायद, तो बस दुआ करें कि बारिश रुक जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर पहुँचते हैं, घर पर भी इवेंट है मेरे ख्याल से, तो पता नहीं अब इंडोर करना पड़ेगा, वैसे तो खैर हमने छत पे करना था, पर बारिश के मुताबिक लग रहा है इंडोर करना पड़ जाएगा। बाकी बस दुआ करें बारिश मज़ीद ना हो, रुक जाए, हल्की हो जाए, बिल्कुल घर पहुंच जाए, फिर बेशक थोड़ी सी तेज़ हो जाए, मसला नहीं है। बाकी चलें सी है, बाकी चलें मिलते हैं आपसे, केक जब ले रहे होंगे वह मिलते हैं। ठीक है, अरे क्या सीन है यार, मैं 1 घंटे से ट्रैफिक में हूँ यार, माना पाकिस्तान आज़ाद हो गया पर रोडें तो जाम नहीं कर, रोडों को भी आज़ाद रहने दो यार, ऐसा नहीं करो यार, पाकिस्तानियों घर पर बैठे हो, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से लाते हो यार, पूरे 1 घंटे से रोड जाम है, बस सांस नहीं आ रहा मेरा, तो पाँव दुख गया अब तो गाड़ी चला चला के, क्या कर रहे हो पाकिस्तानी हो, मुल्क को आज़ाद करो, घर बैठो यार, घर बैठ के आज़ादी मनाया करो यार, घर पे बाजे बजाया करो, बाहर नहीं निकला करो यार, बस सही, अगले 14 अगस्त में ख्याल रखना यार। फाइनली यार भाई केक लेने आ गया हूँ, भाई जो स्लिप दी है वो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी लेकर आते हैं, बस देखते हैं वो घर चलते हैं फ़ौरन, दस्ती बहुत बहुत लेट हो गया जी। फाइनली हमने केक ले लिया, फुल स्मैक्सी सा लार्ज केक, स्मैक्सी केक,
आई थिंक ऑलमोस्ट 6 to 7 pounds का केक है। तो भाई घर जाके देखते हैं इसको, ठीक है जल्दी से घर पहुँचते हैं अब, ठीक है। अल्लाह मौसम बहुत स्मैक्सी सा हो रहा है यार, दिस मौसम हैज गॉट माय हार्ट। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। हेलो आदि, कटे हुए 2 मिनट हुआ, चांद तारा गायब हो गया भाई।